नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस नए वीडियो में स्वागत है। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम आईआईटी जैम एमएससी फिजिक्स एंट्रेंस एग्जाम के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनकी क्या क्या ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आप सभी को बहुत ही डीपली प्रिपेयर करना चाहिए, ठीक है। तो जिन लोगों को भी इस इंडिया का कोई भी एमएससी फिजिक्स का एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना है वो लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे, क्योंकि ऐसी ऐसी चीजें बताने वाला होगा जो आप सभी को एग्जाम बहुत हेल्प करने वाली है, ठीक है। तो बने रहिएगा लास्ट तक और अच्छे से हर एक चीज को समझते जाइएगा, और कोई भी अगर आपका डाउट होता है तो जरूर कमेंट कीजिएगा, उस पर हम बात जरूर करेंगे, ठीक है। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक कर दीजिए, आगे बढ़ते हैं। गाइस, एक बात आप जान लीजिए, जितने भी मैंने टॉपिक्स लिखे हैं ये उन सारे स्टूडेंट्स के लिए हैं जो लोग अभी बहुत लास्ट टाइम में हैं और उन्होंने अभी तक कुछ नहीं प्रिपेयर किया है, ठीक है ना। वैसे अभी भी आपके पास टाइम है कि पूरा का पूरा सिलेबस आप कवर कर सकते हैं, लेकिन फिर भी बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स मिलेंगे जो कि फिर भी पूरा नहीं पढ़ना चाहेंगे, ठीक है ना। तो उनके लिए है गाइस कि क्या क्या आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो सबसे पहले आपको गाइस कुछ चीजें हैं जो कि ध्यान रखनी है। वन, पहली बात यह है कि आपको सबसे पहला जो सिलेबस होता है गाइस उसको थोड़ा सा अपने सामने रख लीजिएगा, ठीक है ना। सामने रखेंगे, उसके बाद हर एक जो टॉपिक बताता जा रहा हूं उसको टिक लगाते जाना, ठीक है। सबसे पहला जो सब्जेक्ट है गाइस हमारा इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। अब गाइस, ये जितने भी मैं सब्जेक्ट लिखता जा रहा हूं ना, इनको आप सीरियल वाइज प्रिपेयर करते जाना, ठीक है ना। सबसे पहले स्टार्टिंग आप इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म पे करना, क्योंकि इसमें गाइस बहुत ज्यादा टाइम लगता है। तो इसलिए मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप सबसे पहले जो टफ वाला सब्जेक्ट है पहले कर लीजिए, ठीक है ना। इसमें क्या क्या ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जैसे कि पहला पोलराइजेशन ऑफ डाई इलेक्ट्रिक्स, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पोलराइजेशन क्या होती है, डाइलेक्ट्रिक क्या होती है, ठीक है ना। उसके बाद पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक क्या होती है, कितने टाइप की होती है, ठीक है ना। इन सभी चीजों पर ध्यान देना है, और इनसे रिलेटेड जितने भी फॉर्मूलाज हैं, फॉर्मूलाज के सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स, उनके यूनिट्स और हर एक जो कॉन्स्टेंट है उनसे रिलेटेड आपको बात करनी है, ठीक है ना। यहां तक कि कॉन्स्टेंट भी कुछ हद तक याद ही कर लेना, बहुत अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए, ओके। उसके बाद है गाइस हमारा नेक्स्ट टॉपिक, वो है वर्क एंड एनर्जी इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में वर्क एंड एनर्जी से रिलेटेड गाइस आप सभी को बहुत सारी प्रॉब्लम्स करनी पड़ेगी, और वो जो भी प्रॉब्लम्स आप जिन फॉर्मूलाज पर कर रहे हो उन फॉर्मूलाज को याद करना है, ठीक है ना। जो भी फॉर्मूला आप याद करना, एक बात हमेशा मैं बोलूंगा गाइस कि आप जो भी फॉर्मूला याद करना ना, उसके जितने भी टर्म्स हैं उन टर्म्स की यूनिट क्या है, क्या क्या वैल्यूज हो सकती हैं, ठीक है ना, सारी चीजें आप याद कर लेना, ठीक है ना। ज्यादा डीपली भी मत जाना, क्योंकि यहां पे आपको साफ साफ बोला जाता है गाइस कि आप उन्हीं सारे टॉपिक्स पे कॉन्सेंट्रेट करना जो कि आपके ग्रेजुएट लेवल तक थे, ठीक है ना। इस चीज को हमेशा याद रखना। उसके बाद है गाइस हमारा एम्पियर्स लॉ। एम्पियर्स लॉ आपको पता है गाइस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, ठीक है ना। तो एम्पियर्स लॉ करना है। उसके बाद है गाइस हमारा फैराडेज लॉ। फैराडे लॉ जितने भी होते हैं आपके दो होते हैं, जो भी है उस पे बेस्ड प्रॉब्लम कैसे हो सकती है, कैसे कैसे वहां पे हर एक टर्म को दूसरे टर्म में रिलेट किया जा सकता है, इस चीज पे थोड़ा सा ध्यान जरूर दीजिएगा। उसके बाद है गाइस हमारे पास डीसी सर्किट। तो डीसी सर्किट से रिलेटेड आपको बहुत सारे ऐसी प्रॉब्लम्स बनाए जा सकते हैं गाइस। आपको सर्किट तो वैसे समझ में आना चाहिए कि कोई भी ऐसा एक सर्किट बना सकते हैं जिसमें कि आपको प्रॉब्लम को दिया जा सकता है, ठीक है ना। उन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया जाता है, अगर आपको एक वैल्यू दी रहेगी तो उस सर्किट में दूसरी वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करते हैं, सर्किट को कैसे हम कॉम्पैक्ट बनाते हैं, कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, इन सारी चीजों पर फोकस करना पड़ेगा। उसके बाद है गाइस हमारे पास ईएम वेव्स, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इस वाले टॉपिक को तो भूल के भी गाइस मत छोड़ना, क्योंकि इस पे बेस्ड गाइस बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना। कई बार तो हमारा ईएम वेव ही बस कवर कर देता है, ठीक है ना। ज्यादा मेजोरिटी हमारी ईएम वेव्स की भी कभी कभी हो जाती है, तो इसलिए गाइस प्लीज इसको मिस मत करना, ठीक है ना। बहुत ही डीपली इसको पढ़ना है। उसके बाद देखिए गाइस हमारे पास जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है वो है हमारा मैकेनिक्स। मतलब मैकेनिक्स आपको पता है गाइस हमारा कितना टाइम कंज्यूम करता है, इसीलिए गाइस इसको थोड़ा सा जैसे आप हार्ड वाला खत्म करोगे ना, उसके बाद तुरंत आप मैकेनिक्स पे आ जाना, क्योंकि मैकेनिक्स आप सभी को पता है गाइस हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो पहला टॉपिक है गाइस हमारा सेंट्रल फोर्सेस। सेंट्रल फोर्सेस क्या होते हैं एक्चुअली, ठीक है ना। सेंट्रल फोर्सेस के बारे में आपको सारी डिटेल्स लेनी पड़ेगी, क्या कैसे फॉर्मूलाज हैं, कैसे कैसे टर्म्स हैं जो आप सभी को ध्यान देने पड़ेंगे, ठीक है ना। समझ में आ रहा है, समझ में आता जा रहा है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करते जाना, कमेंट करते जाना क्या क्या चीजें हैं जो आप सभी लोगों के लिए हेल्पफुल होती रहेंगी, ठीक है ना। और अपने दोस्तों को साथ भी जरूर जोड़ते रहना, ओके। उसके बाद है गाइस हमारा कोरियोलिस फोर्स।
कोरियोलिस फोर्स गाइस हमारे मैकेनिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक को भूल के भी मत छोड़ना और इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इस मैकेनिक्स में पूरी की बात कर रहा हूँ, इसमें थोड़ा सा ना सेलेक्टिव होने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि इसमें ऐसी ऐसी प्रॉब्लम थोड़ा सा ट्राई कीजिएगा जो कि आपके बस में हो, ठीक है ना। ऐसी प्रॉब्लम मत ले लीजिएगा जिससे कि ना उसी में सारा का सारा टाइम कंज्यूम हो जाए। आपको एक चीज याद रखने का, इस मैकेनिक्स इतनी भी सिंपल नहीं है, ठीक है ना। अगर आप मैकेनिक्स में थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन नहीं लगाओगे, दिमाग नहीं लगाओगे ना, आप सॉल्व नहीं कर पा रहे। ये फैक्ट है, सही बता रहा हूँ। मैकेनिक्स में बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं गाइस, ओके, तो ध्यान देना है। उसके बाद है गाइस हमारा कोलिजन। कोलिजन से रिलेटेड बहुत से ऐसे टर्म्स हैं, कोई पार्टिकल कोलिजन, हमारे पास जो भी बॉडी कोलिजन, इन सब से रिलेटेड थोड़ा सा ध्यान देना है। इन पे बेस्ड क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है, थियरी समझना है और सारे फॉर्मूलास को याद कर लेना है, ठीक है ना। जो भी चीजें बोलता जा रहा हूं इसको ध्यान जरूर देना, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी आपने मिस किया, आप बहुत सारी ऐसी चीजें जो मिस कर सकते हो गाइस, जो भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद देखिए गाइस हमारे पास होता है सेंटर ऑफ मासेस। तो सेंटर ऑफ मासेस आपको पता है गाइस कैसे उसके क्वेश्चंस होते हैं, क्या क्या फॉर्मूलाज होते हैं, उन सभी चीजों पे ध्यान देना पड़ेगा, ओके ना। उसके बाद है गाइस हमारा रोलिंग एंड एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम से भी रिलेटेड प्रॉब्लम्स करनी है, रोलिंग एंड एंगुलर मोमेंटम से रिलेटेड जितने भी आपके प्रॉब्लम्स बन सकते हैं आप जरूर कीजिएगा। उसके बाद है गाइस हमारे पास मोमेंटम ऑफ इनर्शिया, फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो भी होता है, इसके जितने भी टाइप्स होते हैं ना, आप उन सारे फॉर्मूलाज को याद कर लेना, ठीक है ना। उसके जितने टाइप के शेप्स होते हैं ना, आप बन सकते हैं उन सभी का अलग अलग वहां पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, ओके, क्लियर रहेगा ना। तो उसके बाद है गाइस हमारे पास बर्नौली प्रिंसिपल। तो बर्नौली प्रिंसिपल गाइस बहुत ही ज्यादा एक कॉम्प्लिकेटेड सा प्रॉब्लम देता है, ठीक है ना। उसमें जो भी फॉर्मूला है ना, उसके इज इक्वल टू जो कांस्टेंट है, वहां पे हर एक टर्म आपको ध्यान देना पड़ेगा गाइस, ठीक है ना। इसमें थोड़ा सा फॉर्मूलाज बहुत ज्यादा कंफ्यूज करते हैं। जो भी हमारा डेंसिटी होगा, मास होगा, एनर्जी होगा, इन सभी को बहुत तरीके से घुमाया जा सकता है गाइस, ओके ना। तो प्लीज इन सारी प्रॉब्लम्स पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। उसके बाद है गाइस हमारा मॉडर्न फिजिक्स। तो गाइस एक चीज आप लोग नोटिस कर लो, मॉडर्न फिजिक्स हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन उसमें उतने ज्यादा टफ टॉपिक्स नहीं होते, ठीक है ना। आप सभी को मैंने यहाँ पे लिख के दिखा रहा है कि ऑल टॉपिक्स, मॉडर्न फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है गाइस जिसमें कि आप ज्यादा से ज्यादा मार्क्स को ले सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि उतना टाइम भी कंज्यूम नहीं करता और हमारा कम मेहनत में ज्यादा मार्क्स को दे सकता है। इसलिए थोड़ा सा इस पे हर एक टॉपिक पे फोकस कर लेना, ठीक है ना, कोई भी नहीं छोड़ना इसमें। तो उसके बाद है गाइस हमारा ऑप्टिक्स में, अगर बात करें सिंपल सा, तो इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन। इसके अलावा आप अगर किसी पे जाओगे भी नहीं ना, तभी भी आप कर लोगे, ठीक है ना। सारे के टॉपिक्स आप जो भी देख रहे हो ना यहाँ पे, अगर आप इनको कर ले तो गारंटी जरूर सक्सेस हो गए, ठीक है ना कुछ अच्छा कर ही जाओगे, ओके। उसके बाद देखिए हमारे पास है मैथमेटिकल फिजिक्स। तो गाइज मैथमेटिकल फिजिक्स तो वैसे आज तक मैंने बोला है कि थोड़ा सा पहले ही स्टार्ट करना, लेकिन फिर भी आज के हिसाब से थोड़ा सा अपनी मेंटालिटी को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि आपको आज ईएमटी में बोल रहा हूँ कि ईएमटी पहले स्टार्ट करना, ओके। उसके बाद है गाइज मैथमेटिकल फिजिक्स। मैथमेटिकल फिजिक्स में सबसे पहली चीज आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है ना, वो भी किसकी, फर्स्ट ऑर्डर की। तो इसके बहुत सारे ऐसे फॉर्मूलाज होते हैं गाइस जो आप सभी को कंफ्यूज करते हैं, ठीक है ना। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे रिड्यूस किया जाता है, या फिर आपके पास कोई ऐसे टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसको आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है, तो ये सारी चीजें आपको जाननी पड़ेंगी गाइस, क्योंकि बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सी प्रॉब्लम्स इसमें आती हैं। उसके बाद है गाइस हमारे पास गॉस, ग्रीन एंड स्टोक्स। ये चीज तो आपको पता है गाइस, इस पे एक भी प्रॉब्लम आपको नहीं छोड़नी ना, ठीक है ना, कभी भी मत भूलना, ओके। उसके बाद है गाइस हमारे पास आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स। तो मैट्रिसेस आपको अच्छे से आनी चाहिए, जो भी थ्योरम्स हो सकती हैं उसको देख लेना। उसके बाद आइगन वैल्यूज कैसे फाइंड आउट करते हैं, आइगन वैल्यूज है तो आइगन वेक्टर्स कैसे निकाल सकते हैं, इन सब चीजों को तो भूल के भी मत छोड़ना, ओके। उसके बाद है गाइस हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव्स। तो पार्शियल डेरिवेटिव्स में भी बहुत सारे ऐसे फॉर्मूलाज आपको देखने को मिलेंगे, बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगे जो आप सभी के एग्जाम में जरूर आएंगे, ठीक है ना। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपको मिस नहीं करना है भूल के भी, ओके। उसके बाद है गाइस हमारा सबसे इंपॉर्टेंट चीज फोर ईयर सीरीज। तो फोर ईयर सीरीज आपको पता है गाइस कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, और हर एक स्टूडेंट को ये चीज पता है गाइस कि फोर ईयर सीरीज हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना, कि फोर ईयर सीरीज तो एक दो क्वेश्चन तो आ ही जाएंगे हर साल। उसके बाद है गाइस हमारा थर्मल एंड स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। तो इसमें कॉम्प्लिकेटेड जो भी टॉपिक्स हैं एक ही बार मैंने कंबाइन करके लिख दिए। देखिए सबसे ज्यादा फोकस किस पे करना है, ध्यान देना। पहला है हमारा पीवी डायग्राम, पीटी डायग्राम, वीटी डायग्राम, टीएस डायग्राम,
इन सब बैकग्राउंड्स पे अगर आप फोकस कर लेते हो ना, डेफिनेटली आपके एक दो मार्क्स जो भी है ना फंस जाएंगे गाइस, ठीक है ना। उसके बाद है गाइस हमारा मैक्सवेल रिलेशन, तो थर्मल लॉ को पता है ना मैक्सवेल इक्वेशन कैसे कैसे उसके ट्रिक्स होते हैं, कैसे उसको रिप्रेजेंट किया जाता है, सारी चीज आई होप आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद है गाइस हमारा मैक्सवेल बोल्ट्जमान की स्टैटिस्टिक्स, तो आपको ध्यान देना है गाइस क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स और क्वांटम स्टैटिस्टिक्स में से जो भी इंपॉर्टेंट है वो हमारा मैक्सवेल बोल्ट्जमान स्टैटिस्टिक्स, इसको ध्यान देना है ज्यादा से ज्यादा, लेकिन उसको भी थोड़ा सा दे लेना गाइस कि जो हमारा क्वांटम स्टैटिस्टिक्स है, ठीक है ना, जो कि हमारा फर्मी डिराक और बोस आइंस्टाइन, उसमें भी थोड़ा सा ध्यान जरूर देना है। उसके बाद है गाइस हमारे पास सॉलिड स्टेट एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इसको भी मैंने कंबाइन करके ही लिखा है कि आपको सबसे ज्यादा क्या पढ़ना है, ठीक है ना। पहला है गाइस हमारा सॉलिड स्टेट में बात करें तो मिलर इंडिसेस, तो मिलर इंडेक्स या फिर मिलर इंडिसेस गाइस आपको पता है ना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, कैसे इंटरसेप्ट आता है, कैसे रेसिप्रोकल होता है, सब चीज आपको पता होना चाहिए। उसके बाद है गाइस हमारे पास ब्रैक्स लॉ, तो ब्रैक्स लॉ का कैसा यूज हो सकता है, कैसे डिफ्रैक्शन होगा, क्या क्या वेवलेंथ होता है, कैसे हमारा जो भी वैल्यू है कैसे आती है, हर एक चीज आपको पता होना चाहिए, ओके। उसके बाद है गाइस हमारे पास सेमीकंडक्टर्स, पता है ना सॉलिड स्टेट में भी सेमीकंडक्टर आ जाता है, आपका इलेक्ट्रॉनिक्स में तो है ही, ठीक है ना। तो जो भी सेमीकंडक्टर्स के रिलेटेड टॉपिक्स हैं, सेमीकंडक्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस, ठीक है ना। सेमीकंडक्टर को आप थोड़ा सा डीपली घुस के स्टडी करना, इसमें बहुत सारे लेंथी टॉपिक्स हैं जो कि आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है ना। सेमीकंडक्टर तो आपको छोड़ना ही नहीं। उसके बाद है गाइस हमारा जेनर डायोड, बीजेटी एंड ओपेम्स, तो आपको पता है ना गाइस कि जेनर डायोड क्या होता है कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, क्या क्या फॉर्मूलाज होते हैं, कैसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है। उसके बाद है गाइस हमारा बीजेटी यूजेटी, आप देख सकते हो दोनों। उसके बाद हमारा फाइनल जो टॉपिक है गाइस हमारा ओपैम्प बचता है, ठीक है ना। पता है ना ऑपरेशनल एम्पलीफायर, कैसे उसके फॉर्मूलाज होते हैं, कैसे उसके सारे जो भी हमारे प्रॉब्लम्स है कैसे होती हैं, कितने टाइप के होते हैं, ठीक है ना। इन सब चीजों पे थोड़ा सा ध्यान दे लीजिएगा, और जो भी मैंने टॉपिक लिखा है ना इसको थोड़ा सा डीपली घुस के अभी से भी अगर स्टार्ट करते हो आप ना, आप डेफिनेटली कर लोगे, ठीक है ना, ये मेरी गारंटी है, ठीक है ना। तो चलिए गाइस आई होप आप सभी को ये सारे टॉपिक समझ में आए होंगे। अगर टॉपिक समझ में आया है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, और उनको भी बताना कि अच्छे से देखो ये टॉपिक्स हैं, और अच्छे से प्रिपरेशन अभी से भी स्टार्ट कर दो, पूरी इंडिया के सारे मैसे फिजिक्स एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कर लोगे, ओके। तो चलिए गाइस आज की इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, और आप लोग मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।